स्वयं रोजगार लघु अस्थायी व्यवस्था संगठन महाराष्ट्र द्वारा शुक्रवार को पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। पत्र परिषद के दौरान सरकार से मांग की गई कि आनंद मेले में स्टॉल लगाकर या फिर झूले लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले व्यवसायियों को व्यवसाय का टाइम बढ़ा कर दिया जाए ताकि आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे व्यवसायियों को राहत मिले। यदि मांग पूरी नहीं की गई तो ये तीव्र आंदोलन का इशारा भी संगठन द्वारा दिया गया। स्वयं रोजगार लघु अस्थायी व्यवसाय संगठन महाराष्ट्र द्वारा पत्र परिषद आयोजित कर सभी व्यवसायियों द्वारा अपनी समस्याएं मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने रखी है। व्यवसायियों का कहना है कि हमारे व्यवसाय के लिए टाइम बढ़ा कर दिया जाए क्योंकि आनंद मेला शाम से ही शुरू होता है। अभी सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार 8 बजे हमें हमारे व्यवसाय को बंद करना पड़ रहा है, जिससे काफी आर्थिक नुकसान भी हमें सहना पड़ रहा है, जिससे हमारे परिवार पर भुखमरी की नौबत आई है। इसलिए व्यवसाय करने के टाइम को बढ़ा कर दिया जाए ताकि हम व्यवसाय कर सके। स्वयं रोजगार लघु अस्थायी संगठन द्वारा आज जो है मांग की जा रही है सरकार से, स्थानिक जो स्वराज संस्था है उनसे, कि जिस तरह से बाकी जो व्यवसायदार है उनको टाइम जो है बढ़ा कर दिया गया है अपने बिजनेस के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है इन लोगों को जो है आनंद मेला जो रहता है उस टाइप के जो रोज़गार वहाँ उपलब्ध होते हैं उन्हें जो है टाइम नहीं दिया गया है बढ़ाकर, उसके संदर्भ में क्या कहना है आप बताइए। क्या बोल, मी स्वयं रोजगार लघु सूक्ष्म उद्योग मधून बोलती है। आमचे जे पण व्यवसाय आहेत ते आज 6 ते 7 महिन्यापासून बंद आहेत, तर आम्हाला सरकारकडून हीच डिमांड आहे की आम्ही एवढे सारे निवेदन दिलेले आहे त्या निवेदनमध्ये आमचं कुठलं पण नाव नाही आहे, तर आम्ही कसा रोजगार करायचा किंवा आम्ही कसा उद्योग करून आमचे घर चालवायचे। काही लोक असे आहेत की ज्यांना रोजचं काही मिळत नाही आहे, तर कसं करायचं? सरकारने आमच्या काही गाईडलाईन्स आहेत, त्या गाईडलाईनच्या खाली आम्हाला काहीतरी व्यवसाय करायचं, आम्हाला त्यांनी हे दिलं, सोय दिली पाहिजे। त्यांच्या ज्या पण गाईडलाईन्स आहेत त्या गाईडलाईन्समध्ये आम्ही काम करायला तयार आहेत, पण सरकारचं आमचं काहीच लक्ष नाही, सरकारचं आमच्याकडून कुठलंही लक्ष नसल्यामुळे आम्ही कसं व्यवसाय करायचा? आम्ही एवढे सारे निवेदन सरकारला दिलेले आहेत, कुठलंही असं ऑफिस नसेल गव्हर्नमेंट की जे सुटलेलं असेल। आज गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीमध्ये सगळ्या गव्हर्नमेंटला फॅसिलिटीमध्ये पेमेंट मिळतो आहे, पण आम्ही अशा ठिकाणी आहोत की आम्हाला कुठलीही फॅसिलिटी नाही आहे। आमचा एवढा सगळा भाऊ आहेत, ज्याही बहिणी आहेत, त्यांचा सगळा असा माल जसा घरचा ज्या घरी रोजगार करत असतील त्यांचा घरी माल खराब होतो आहे। ज्यांचे आज झुले आहेत त्या झुल्याला इतका जंग लागलेला आहे की ते आता 2 वर्ष झाले आहेत की तो तिचा माल तिथेच पडलेला आहे, 2-2 वर्षाचा पाऊस त्याच्यावर गेलेला आहे। तर सरकार काय तो माल आता त्यांनी जरी पुढे चालून तो काढला तर त्या मालाचा काहीही त्यांना उपयोग होणार नाही अशी आशंका आम्हाला दिसते आहे। तर सरकारचं आमचं असं निवेदन आहे की सरकारने ज्या पण गाईडलाईन सरकारच्या त्या आम्हाला त्या गाईडलाईन खाली आम्हाला काम करण्याची त्यांनी आम्हाला परमिशन दिली पाहिजे। सध्याची तुम्हाला काय गाईडलाईन्स दिलेले आहेत, कुठल्या गाईडलाईन्सनुसार तुम्ही आता हा जो मेला आहे तो भरवलेला आहे काय सांगा? आम्ही कुठल्याही गाईडलाईन्समध्ये काहीच नाही, सरकारने आमच्यासाठी कुठलीही गाईडलाईन काढलेली नाही आहे। आज रेस्टॉरंट आहे त्यांच्यासाठी गाईडलाईन्स काढली आहेत, जे पण व्यापारी आहेत त्यांच्यासाठी गाईडलाईन्स काढली आहेत। बीते 2 साल से कोविड के चलते हमारे व्यवसाय बंद पड़े हैं। आनंद मेला लगाने को सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जिस कारण आनंद मेले में लगने वाले झूले हो या लोक कलाकारों द्वारा पेश किए जाने वाली लोक कला हो, आनंद मेले से जुड़े सभी व्यवसायों पर भुखमरी की नौबत आई है, जिस कारण संगठन द्वारा आनंद मेले को अनुमति देने की मांग करते हुए व्यवसायियों को टाइम बढ़ाकर देने की मांग भी सरकार से की गई है। माझी ही मांग आहे गव्हर्नमेंटला की आमचा 2019 पासून व्यवसाय फिरता व्यवसाय बंद आहे, तर आमच्याकरता जे ओपन ग्राउंड आहे त्यांना वेगळी गाईडलाईन्स करण्यात यावी, कारण की आमचा हा व्यवसाय रात्री 6 ते 10 वाजेपर्यंत आहे, तर त्या पद्धतीने आमचा हा व्यवसाय चालू करण्यात यावा म्हणून आम्हाला वेगळी गाईडलाईन्स देण्यात यावी राज्य सरकारने। कारण आता जी गाईडलाईन्स आलेली आहे शनिवार 3 वाजेपर्यंत आहे आणि रविवारी बंद आहे, त्याच्यामुळे आम्ही हा व्यवसाय करू शकत नाही, त्याच्याकरता आम्हाला हे गव्हर्नमेंटने वेगळी गाईडलाईन्स। आज आमचं म्हणणं हेच आहे की टायमिंग पिरियड जो इतका कमी करून टाकलेला आहे, लॉकडाऊनवर लॉकडाऊन लागते आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही कसं करायचं? आम्ही जे छोटे व्यवसाय माझ्यासारखे तिथे भडक चौकात किंवा बर्डी म्हणा असे अनेक ठिकाणी जे आता तुम्ही इतकं लॉकडाऊन लावून ठेवलं 2 वर्षापासून, त्याचं आम्ही आमचं पोट कसं भरायचं? आज छोट्या छोट्या ज्या बचत गटाच्या छोट्या व्यावसायिक ज्या बायका आहे सगळ्या, त्या बचत गटाचे लोन उचलून आपले व्यवसाय करतात, कोणाला 1 रुपयाची मदत न मागता, आणि हे लॉकडाऊन लावून ठेवलं आहे, मग आमचे धंदेपाणी आम्ही कसे चालवायचे? आम्हाला EMI फेडावं लागतं, आमच्या बचत गटाचे लोन आम्हाला फेडावं लागतात, मग आमचे धंदेपाणी नाही चालणार, दुकानांची वेळ इतकी कमी राहणार, तर मग आम्ही आमचे EMI कसे फेडायचे?
त्याच्यासाठी पण सरकारने काही ना काहीतरी लक्ष दिलं पाहिजे. माझं नाव बरखा गोडघाटे आहे आणि माझा एक लावणी ग्रुप आहे. 35 वर्षापासून लावणी ग्रुप चालवते मी आणि 50 मुली गरीब घरच्या माझ्या प्रोग्राम म्हणून ते आपले पोट भरतात आणि आता त्यांचा परिवार त्यांच्या भरोश्यावर चालत होता. पण ह्या करोनामुळे आता आमचं आतावरी काम सुरू नाही झालं म्हणून इतकी आपत चाललेली आहे. एक मुलगी तर फाशी लावून मरणसुद्धा पावली आर्थिक परिस्थितीमुळे. मेरा झूलों का कारोबार है जिसके अंदर में बड़े और छोटे सभी झूले मेरे पास में. और आज मेरा जो कारोबार है पिछले 1.5 साल से बंद है. मेरा माल एक ही ग्राउंड में पड़ा हुआ है, एक ही जगह पड़ा हुआ है. कई आइटम चोरी हो गया है, कई सारी चीज़ें उसमें चोरी हो गई है, कई चीज़ें खराब हो गई है पानी की वजह से, धूप की वजह से. आज हम लोग पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर खड़े हैं. मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि सरकार थोड़ा तो भी ध्यान हमारी तरफ दे. जो हम लोग आज बेसहारा लोग हैं, हमारे को किसी का सहारा नहीं है. हम लोग खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं और हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग जो है जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि दुकानदार, मजदूर, गाड़ी वाले, एक्स्ट्रा. ऐसे हमारे एक मेले में तकरीबन 400 से 500 लोगों का रोज़गार चलता है एक मेले से. तो मेरा ये कहना है सरकार के कि सरकार ने जब से लॉकडाउन लगाया है तो सरकार का ध्यान हमारी तरफ से बिल्कुल पूरी तरीके से हट चुका है. स्वयं रोजगार लघु अस्थाई मेले के सभी हमारे जो संगठन हैं आज यहाँ मौजूद हुए हैं और इसलिए मौजूद हुए कि भाई आज जो ऐसी नौबत आई है संगठन पे, हमारे पूरे मेले वालों पे, कि आज हमको इन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है. और महाराष्ट्र सरकार के और सेंट्र केंद्रीय सरकार ने जब से लॉकडाउन लगाया है, 23 मार्च से जो लॉकडाउन लगाया है, 144 धारा लगाया पहले, बाद में 23 तारीख से लॉकडाउन लगाया है, उस तारीख से आज तारीख तक का हमारे जहाँ जहाँ मेले थे इंडिया लेवल पे, ऐसे नहीं कि महाराष्ट्र लेवल पे, इंडिया लेवल पे जहाँ जहाँ मेले थे वहाँ वहाँ के वहाँ वो मेले वहीं के वहीं पड़े हुए हैं. जिसमें से झूले हो, एक एक मालिक के 10-10 झूले हैं. जो झूले आज वहाँ पर मट्टी के अंदर में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं. आज ये हालत हो गई कि वहाँ पर जहाँ ग्राउंड के अंदर में हम जो ग्राउंड में हमारे जो सामान रखा है, उस मेले मालिक हमको, जमीन मालिक वहाँ से पैसा मांग रहा है, किराया मांग रहा है. हम कहाँ से देंगे? वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या केंद्र शासन हो, वो तो देने की बात दूर है. हमारे मेले के अंदर में जो और भी जो लोग हैं, जो आज कम से कम 100-200 लोग हमारे मेले में काम करते हैं, हमारी ये मांग है कि भाई किसी भी हालत में ये जल्द से जल्द मेले के लिए हमको परवानगी मिले. और जो आज जो 8 बजे से चालू रखा है इन्होंने, कम हमारा मेला तो ऐसा है कि 4 बजे से लेके हमारा 10 बजे तक का चलता है. अब 10 बजे, 4 बजे से लेके 8 बजे तक का कभी हमारा नागपुर शहर में हो या महाराष्ट्र के अंदर में हो तो ये मेला चल ही नहीं सकता, ये वाजिब नहीं है. तो मेले के लिए नहीं 200-400 लोगों की परमिशन दिया जाए, लेकिन 4 से लेके 10 तक का परमिशन मिले, ऐसी हमारी मांगनी है. और ऐसा नहीं हुआ तो हमारे हम मेले वाले सड़क पर आ जाएंगे और हमारे बच्चे जो है आज भूखे मरने के कागार पे है. तो इसके लिए सब सरकार जवाबदार रहेंगी, महाराष्ट्र सरकार जवाबदार रहेंगी और केंद्र सरकार जवाबदार रहेंगी इसके. और कल इसका जो भी घटना होंगी सरकार की सुपुरद रहेंगी. तो हमने देखा कि यहाँ पर जो थे सभी लघु व्यवसाय करने वाली महिलाएं जो बचतगट से कर्जा लोन लेकर जो है व्यवसाय करती है, ऐसी महिलाएं भी यहाँ शामिल थी. इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें जो बिज़नेस का टाइमिंग है, जो उनका व्यवसाय करने का टाइमिंग है, बढ़ा के दिया जाए ताकि उनकी जो भुखमरी की उन पर जो नौबत आई है वो ना आए और वो खुद कमा कर खुद अपनी ज़िंदगी जी सके. कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर.